गाइस देख सकते हैं आप लोग, बहुत जबरदस्त स्टेज करता हूँ लेकिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा लास्ट डे है केरला में, यहाँ से हम लोग आज भी बोट में जाने वाले हैं। दो तीन ऑप्शन है हमारे पास, वहाँ जाके डिसाइड करना है कहाँ जाना है। जो 3-4 बजे तक जल्दी वापस आ जाए वैसी जगह पे जाएंगे, क्योंकि 6 बजे हमारी ट्रेन है। तो लेट्स हैव सम फन गाइस, स्टे कनेक्टेड। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आए नाश्ता करने के लिए। तो गाइस हम लोग नाश्ते में मंगाए जैसा कि केरला का फेमस पराठा, एक करी और एक ऑमलेट, ये नाश्ता मिलता है यहाँ पर। साथ में इडली डोसे भी मिलते हैं, लेकिन वो पर खाले चाह रहे हमेशा जिंदगी भर, ये खाएंगे। आज लास्ट नाश्ता है केरला का। तो हम लोग जा रहे हैं अब नेडुमुडी, जो कि ये भी सेम 2 घंटे का रास्ता है कटे, वहाँ जाके थोड़ी देर वहाँ पर फिर के फिर वापस आ जाएंगे, 4-5 घंटे वापस आ जाएंगे। चलो गाइस तो ये देखो गाइस, नेडुमुडी 19 रुपीज है यहाँ से, अच्छा है, बहुत सस्ता है इसमें। यहाँ पर 2 घंटे का रास्ता है पर रहे लोग। ये देखो गाइस, पानी के बीच में छोटा सा लैंड है, उसपे लोकल्स के घर है, वो तरफ भी पानी है, ये तरफ भी पानी है, फिर बीच में थोड़ा सा लैंड है। क्या एडवेंचरस लाइफ है लोग की, लाइफ स्टाइल इन लोग का बहुत एडवेंचरस लाइफ स्टाइल है। ये है हाउस बोटिंग, प्राइवेट था, अगर 8-10 लोग का ग्रुप है तो ऐसा बोट ले सकते आप, आपकी पर्सनल बोट हो जाती वो, 1-2 दिन के लिए का पैकेज रहता। हम लोग सिर्फ 2 जने हैं इसलिए हम लोग नहीं ले सके। ये है ब्रिज लोग की, लाइक बाई वॉक करने की, लोकल्स के लिए है वो। ये स्टेशन है, पूरे लोकल के घर आए, देखो ये पर्सनल बोट है, जिसके नहीं है उन लोग को गवर्नमेंट की से बोट से जाना आना है। ये हाउस बोटिंग्स है, फाइनली हम लोग नेडुमुडी आ गए। तो देख सकते हैं आप लोग कितना जबरदस्त व्यू है, अब यहाँ पर का एक्सप्लोर करेंगे और लंच भी यहीं करना है अपने को। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितनी खूबसूरत जगह है, घर देखो पूरा बिल्कुल पानी के सामने घर है लोगों के, और कितना सुकून है, कितना पीस है यहाँ पर। वही तो ख्वाहिश कर रहा हूँ यहाँ पर एक घर ले लूं मैं भी पानी के सामने, बहुत बहुत सुकून है गाइस। देखो वो घर देखो आप लोग, कितना प्यारा घर है पूरा पानी के बीच में। तो ये देखो गाइस, बोट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है ये, यहाँ पीछे मैन्युफैक्चर होके यहाँ पर आके यहाँ पर तो बेच रहे लोग। तो ये लाइक पर्सनल बोट से ही है, छोटे छोटे पर्सनल अपन ले लेंगे, इसका घर है लोग लेके रख लेते हैं, अच्छी है देखो बोट। तो ये देखो आप लोग, ये दुकान है डक्स की, ये लोग बेचते रहते 300 रुपए में एक, जैसा अपने पास चिकन बेचते ना वैसा यहाँ पर सेम ही डक्स खाते रहते। मैं ऑलरेडी खाया हुआ हूँ डक, एबीस में के जब खाया था बहुत जबरदस्त टेस्ट करता, ये तो देसी है तो बहुत जबरदस्त टेस्ट करता हूँ, लेकिन अपन नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ पर बने हुआ नहीं मिल रहा है, सिर्फ काट के दे रहे हो लोग, घर को लेके जाके पका के खाना है। तो यहाँ पर हम लोग एक बेकरी में रुके, देखेंगे बेकरी में क्या है बोल के। यहाँ देखो ये मीट पफ है, मीट समोसा, ये सब ऑलमोस्ट मीट का है, और हम लोग लिए एक पफ बनाना फ्राई है देखो यहाँ पर भी। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आए लंच करने, यहाँ लंच करेंगे, बिरयानी है कहते लंच में, बिरयानी खाएंगे। केरला स्टाइल देखे हम लोग नहीं मिला होता, पसंद नहीं आ रहा था तो बिरयानी खाएंगे अपन। अरे तो गाइस हम लोग बीफ बिरयानी ऑर्डर करे, देखो यहाँ की बिरयानी कैसी है, कलर ग्रीन कलर है इसका लाइट, तो
मैं टेस्ट करके बोलता हूँ कैसी है। खा लेना प्रताप, देसी भी खा लेना है। तो ये आप ना देख सकते हैं, यहाँ पर मशीन है, ये वो जो पीछे पूरा पानी है ना, ये मशीन से ये छोटे छोटे वेस्ट जो है इसमें पानी फेंक रहे लोग। इससे क्या है, जो पर्सनल जिसके घर है उन लोग कुछ छोटे बोट से पानी नहीं आता जिसमें पानी रहा, तो उस वजह से ये मशीन लगा है लोग पानी फेंकने के लिए। तो देखो आप लोग कैसा प्रेशर से पानी जा रहा। तो गाइस ये था नेडुमुडी, बहुत अच्छी जगह है ये भी। तो बोट आ रही है, फिर अलग ही जाना है, फिर वहां से ट्रेन है हमारी 6 बजे। तो ये देखो आप लोग कितनी मेहनत है लोगों के स्टाफ मेंबर्स की। एक बोट में 5 स्टाफ मेंबर्स है, एक ड्राइवर, एक टीसी, तो बोट रोकने के लिए और एक कंट्रोलर भी है। देख सकते आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। वीडियो यू नो इंग्लिश? यस। ओके, विच स्कूल? ओके, व्हाट आर यू डूइंग? वीडियो, यूट्यूब वीडियो। विच चैनल? सादिफ मोहम्मद। सादिफ मोहम्मद जिसमें मारी बाय बाय बाय। आल्सो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल नेम सादिफ मोहम्मद। सादिफ मोहम्मद ओके बाय 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 बाय। ब्रो ओके बाय, टाटा। कमेंट कमेंट इन वीडियो। बाय 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 बाय। और आगे गए तो लेडुमुडिया का रास्ते में कहीं करी मिलता हम लोग। तो ये देखो गाइस, ये बोट रेसिंग की प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पर। देखो हमारे बोट में पेट्रोल भर रहे हैं लोग। हाउ मेनी लीटर्स? 100 लीटर्स, 100 लीटर्स का दे। तो देखो वो है हमारी होटल केटीसी गेस्ट हाउस, यहाँ से दिख रही है देखो। तो फाइनली आ गए हम लोग एलएपी। गाइस फाइनली 2 घंटे के बाद हम लोग एलएपी आए। जाते ना तो 1 घंटे में चले गए थे, लेकिन अब रिटर्न में क्या है, स्कूल का टाइम हो गया तो बच्चों को लेना छोड़ने में कुछ ज्यादा टाइम लग गया, 2 घंटे के ऊपर हो गया, लेकिन बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था गाइस। केरला चिप्स।
ऑलमोस्ट हर आइटम बनाना से बनी हुई है और बहुत टेस्टी है और कोकोनट ऑयल यूज करती है ये लोग यहाँ बना रहे। देखिए आप ये देखिए, ये है स्वीट समोसा, बहुत टेस्टी है ये भी। ये विच हलवा, मैंगो हलवा, हाउ मच केजी? केजी 400। फिश राइस हलवा, चावल 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 वेरी गुड। तो गाइस हम लोग 3 दिन से यहाँ पर बिजी थी गेस्ट हाउस में। नाउ इट्स टाइम फॉर चेकआउट। 6 बजे ट्रेन है हमारी, जैसा हमें बोला था अब जाना है, टाइम हो गया। तो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, बस स्टैंड के करीब में KTC गेस्ट हाउस है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर रह सकते आप लोग। तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बस स्टैंड भी यहाँ पास में ही है, बाईपास जा सकते हैं और फूड भी बहुत करीब है और दुकाना वकाना सब अच्छे है यहाँ पर, अच्छी जगह है। रहो गाइस, कैसा लगा मेरे अपने ब्लॉग्स, कैसा लगे बोलो और यहाँ से कनेक्टेड रहो मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। तो प्लीज लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, शब्बा खैर।